So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University, and you're watching Improda. So guys, इस वीडियो में मैं अपना एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एज अ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न. सो गाइज, ये मेरी पहली नॉन टेक इंटर्नशिप है और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे काम करवाए जाते हैं और आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन देखी जाती है एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होनी चाहिए. तो कंपनी का नाम तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट जितना भी बता सकता हूं मैं बताने की कोशिश करूंगा, सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने. एंड इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि अगर आप मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और आपसे क्या क्या काम करवाए जाएंगे. तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये इंटर्नशिप मेरे को मिली कैसे. तो पहली बात तो ये ऑन कैंपस इंटर्नशिप नहीं मिली है मेरे को, ये मेरे को ऑफ कैंपस ही लेनी पड़ी है. ऑफ कैंपस मैंने ये लिंक्डइन के थ्रू ली थी और मैं लिंक्डइन में इतना प्रो हो चुका हूँ फिलहाल इंटर्नशिप लेने में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको इंटर्नशिप कैसे लेनी है लिंक्डइन के थ्रू, वो आ जाएगी नेक्स्ट किसी वीडियो में. तो अभी के लिए बात करते हैं कंपनी के बारे में. तो कंपनी जो है ये एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, यानी कि बिल्कुल बायजूस एंड अनअकैडमी की तरह है. तो इसमें बेसिकली कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12th, जस्ट लाइक अनअकैडमी एंड बायजूस. एंड ये बेसिकली एक प्रॉपर इंटर्नशिप होनी थी, यानी कि ऑफिस में जाकर हमें काम करना था, बट ड्यू टू कोविड पेंडेमिक ऑफिस में नहीं बुलाया गया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मेंटेन नहीं हो पाती, तो सारे इंटर्न्स जो थे वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे. तो मेरे को भी ये इंटर्नशिप वर्क फ्रॉम होम करनी पड़ी. और स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें हमें मिलना था 5K to 10K, यानी कि 5,000 to 10,000, डिपेंडिंग ऑन कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटर्नशिप में. अगर हम सबसे गंदा परफॉर्म करेंगे तो हमें 5,000 मिलेंगे एंड अगर हम सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें 10,000 मिलेंगे. सो बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहा था और मेरे से क्या क्या काम करवाए गए थे. तो सबसे पहले तो यार, हम सबका जितने भी मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न्स थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती थी रोज के टास्क की, कि हमें आज ये करना है आज ये करना है. सो बेसिकली तीन फेसेस में काम होना था, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3. तो जो फेज 1 में अच्छा करेंगे वो फेज 2 में प्रमोट कर दिए जाएंगे और जो फेज 2 में अच्छा करेंगे वो फेज 3 में प्रमोट कर दिए जाएंगे. जितना अच्छा एंड जितना जल्दी हम फेज 1 को कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हम फेज 2 में आएंगे एंड जितनी जल्दी हम फेज 2 को कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हम फेज 3 में आएंगे. तो अब बात करते हैं फेज 1 के काम के बारे में. तो फेज 1 के लिए हमें इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आती हो. बेसिक लेवल की भी डिजिटल मार्केटिंग आती होगी तो भी हम इस काम को अच्छे से कर पाएंगे. तो फेज 1 में जो हमें टास्क दिया गया था वो ये था कि हमें रोज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स उनके बढ़ाने थे उनके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो. फॉर एग्जाम्पल हमें रोज 40 फॉलोअर्स बढ़ाने थे उनके. तो अगर हमें थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना डिजिटल मार्केटिंग की तो ये टास्क बहुत आराम से हो जाता. अगर हम इस फेज का काम जल्दी से कंप्लीट करेंगे तब हमें नेक्स्ट फेज में प्रमोट कर दिया जाएगा. सो मैंने काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रखी है तो फिर मेरे लिए ये टास्क काफ़ी ईजी था और मैं बहुत जल्दी से उनके सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स बढ़ा पाया एंड इसी वजह से मेरा प्रमोशन सेकेंड फेज में बहुत जल्दी हो गया था. अब बात करते हैं फेज 2 में हमसे क्या काम करवाया गया था. फेज 2 का काम जो था वो कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट था फेज 1 से, क्योंकि फेज 2 में हमें स्टूडेंट्स कलेक्ट करने थे जो कि इनका एंट्रेंस एग्जाम दें. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि हम स्टूडेंट को कन्विंस करवा पाएं कि आप एग्जाम दो, इनका ऑनलाइन एग्जाम होता है एंड उन्हें दो एंड आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उस बेसिस में. तो ये फॉलोअर्स बढ़ाने में एंड किसी स्टूडेंट को कन्विंस करने में काफी डिफरेंस होता है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था. एंड हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ही करवाने थे रोज की वो एग्री करें एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड हमें ये जो नंबर थे ये हमें अपनी कंपनी को देना था एंड साथ के साथ हमें वेबिनार्स भी अरेंज करवाने थे स्कूल के साथ. तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स एंड काफ़ी स्कूल्स को कॉल करा था एंड स्कूल्स जो थे उनमें से 10 को अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो उनमें से मुश्किल से एक ही कन्विंस हो पाता था वेबिनार के लिए. सो ये एक तरीके का ग्रेट एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई एंड मेरे को काफ़ी चीज़ सीखने को मिली कि कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी. स्टार्टिंग की स्टेज में जैसे एक आ रहा था 10 में से, फिर बाकी बात करते करते लास्ट में आते आते 3 स्कूल्स मान जाते थे अगर मैं 10 स्कूल्स को कॉल करता था. तो मेरी इस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई क्योंकि मेरे को पता लग गया था कि कहाँ पे क्या बात करनी है एंड कहाँ पे क्या बात नहीं करनी. एंड अब फाइनली मैं फेज 3 में प्रमोट हुआ एंड फेज 3 का जो काम था वो था जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिन स्टूडेंट ने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनकी जिनकी भी स्कॉलरशिप लगी थी उन सबको मेरे को कन्विंस करना था कि आप हमारा कोर्स खरीदो, हमारी कंपनी का जो कोर्स है वो खरीदो. एंड मैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्विंस करवा पाया था एंड इसी वजह से मेरा काम कंपनी को भी पसंद आया था एंड मेरे को बहुत अच्छा अमाउंट मिला था. इन जनरल मेरा एक्सपीरियंस एज अ मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न बहुत अच्छा रहा और
मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली एंड मैं फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप ट्राई करूँगा। नॉन टेक की मैं ट्राई कर चुका हूँ और अभी मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट मेरे को टेक में इंटर्नशिप ट्राई करनी है या फिर किस चीज़ में इंटर्नशिप ट्राई करनी है। तो मैं बेसिकली अपनी कोडिंग दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देखते हैं आगे क्या रहता है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक ले गाइज सी या एंड हैव अ गुड डे।